प्रदेश में भी भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में आकर लोग बीमार होने लगे हैं। मौसम की इस मार से कब तक निजात मिलेगी, बता रहे हमारे मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान पदाधिकारी। कैसा रहेगा तो 18 तारीख से मानसून के फेवरेबल कंडीशन अनुकूल स्थिति होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद में जो पूरी भारत है उसमें भी मानसून का विस्तार हमको देखने को मिलेगा। तो 18 तारीख के बाद से जैसे स्थितियां अनुकूल होंगी और मानसून का विस्तार होगा तो पूरी भारत जिसमें कि झारखंड भी आता है आपको स्थितियाँ और मानसून के विस्तार की देखने को मिलेंगी। 16 में जो संथाल का एरिया होगा, दक्षिणी भाग हो गया, उससे सटे हुए भाग में कुछ इलाकों में गर्जन उत्पाद के साथ में 30-40 हवा की स्पीड के साथ में हल्के दर्जे की बारिश, हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। अगर बात करें तो 19 तारीख में राज्य में कहीं कहीं पर हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 20 तारीख से जो राज्य में कुछ स्थानों पर आपको हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 20 के बाद से अभी का जो अंदेशा है कि बारिश में घर की भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी और जो मानसून का विस्तार भी आपको देखने को मिल सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।